यूपी डाकघर भर्ती 2020 बिना परीक्षा 10वीं पास के लिए 4000 भर्तियां, आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। भारतीय डाक विभाग के तहत उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 7 मई 2020 तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल थी। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है, उनके पास आवेदन का एक और मौका आया है। इस भर्ती के तहत ग्रामीण सेवक की 3951 वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाने हैं। इस नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश ही होगा। 10वीं कक्षा में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। अपोस्ट इन GDS ऑनलाइन पर जाकर विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कुल पद 3951 पदों में से 1414 पद अनारक्षित हैं। EWS के 314 पद, OBC के 1000 पद, PWDA के 29 पद हैं। OBC के 1000, PWDA के 29, PWDB के 24, PWD-C के 9, SC वर्ग के 750 और ST वर्ग के 11 पद आरक्षित श्रेणी में हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा का निर्धारण 23 मार्च 2020 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, OBC वर्ग को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन अभ्यर्थियों ने पहले प्रयास में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें वरीयता दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई वरीयता प्राप्त नहीं होगी। हिंदी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। टेक्निकल योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर का एक विषय के रूप में पढ़ा हो, उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त हो। वेतनमान पद के अनुसार GDS BPM के लिए 12,000 रुपये से 14,500 रुपये, GDS ABPM के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदन के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया, मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता, तो उसे एक ही पद के लिए चयनित किया जाएगा। पद पाने के लिए जरूरी शर्तें निवास। पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होगा कि वे चयन के एक माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गाँव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। तो मुख्य स्रोत है कि पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी जो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर देना होगा। तो पहले तो निवास पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होगा कि वे चयन के एक माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। फिर आय के लिए क्या होगा कि पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वो अपनी जीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर ही निर्भर नहीं है, जो कि उन्हें 30 दिनों के अंदर ही देना होगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन GDS BPM पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य चयन के 30 दिनों के भीतर ही करना होगा। जमानत राशि GDS BPM पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी, तो अन्य पदों के उम्मीदवारों को 10,000 रुपये इस मद में देना होगा। इस राशि को फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पर जमा करना होता है। तो ये है वेबसाइट।
अनारक्षित और ओबीसी वर्ग को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी एसटी दिव्यांग और महिलाओं को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी एससी एसटी और दिव्यांग और महिलाओं को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या डाकघर में किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर यही लॉगिन करना होगा। फिर होम पेज पर बाईं तरफ मौजूद उत्तर प्रदेश साइकिल सेकंड 3991 पोस्ट लिंक क्लिक करने पर नियुक्ति का विज्ञापन खुल जाएगा और अपने विज्ञापन से अपनी योग्यता का जांच कर सकें। ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए होम पेज पर स्टेप्स टू अप्लाई सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। खुलने वाले फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर सबमिट डिटेल बटन पर क्लिक करें। अब अगले वेब पेज पर सर्कल का चयन करना होगा। ऐसा करने के बाद आवेदन फॉर्म सामने आएगा। इसके बाद निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। दस्तावेज, इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। 10वीं कक्षा की मार्कशीट की स्कैन कॉपी, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, अभ्यर्थी के स्कैन किए हुए हस्ताक्षर युक्त पत्र यानी कि सिग्नेचर। ये था डाकखाना के महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।